सर, ये जो आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, किसके रिलेटेड कर रहे हो? सबसे पहले तो मैं आप मीडिया कर्मचारियों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो वक्तन फवक्तन हमारी डेली वेजर कैजुअल लेबर की बात मुद्दा उठाते हो और जो ये गहरी नींद में सोए हुए अफसरों इन तक पहुँचाते हो। तो आज हमारा मीडिया कॉन्फ्रेंस करने के एक ही मकसद है कि हमने 10 तारीख को एक मेमोरेंडम जो सबमिट पूरे अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को ये दिया था, DDC चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, चीफ एक्सिक्यूटिव इंजीनियर जो हमारे हैं, उसके बाद हमारे सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर जो हमारे यहाँ पे हैं, ऑल सरपंचज, तो SSP साहब डोडा को भी हमने एक मेमोरेंडम सबमिट कराया था 10 तारीख को कि अगर 19 तारीख को हमारा लैंड ओनर्स जो 159 लोग जो हमारे ज़िला डोडा के हैं, 95 लोग जो हमारे स्पेशल डिवीज़न जो सब डिवीज़न हमारी गुंदोय, तो उन लोगों के लिए हमने ये इन लोगों की जो सैलरी यहाँ पे बंद की हुई है 21 महीने से, और गवर्नमेंट है कि इशू लगाया है कि जिन लोगों के 14 से लेकर 16 तक 12 वोचर उनको सैलरी दी जाएगी, तो लैंड ओनर्स के ऊपर तो सबसे पहले तो ये इशू हावी होता ही नहीं था क्योंकि एक एक नाल इन लोगों की ज़मीनें ले चुकी है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जल शक्ति डिपार्टमेंट, और उसके बावजूद उन्होंने क्या किया कि एक राइटर लगा दिया कि जिन लोगों के 12 वोचर्स नहीं तो उनको सैलरी नहीं दी जाएगी। तो हमने 10 तारीख को इनको एक अल्टीमेटम दिया था कि अगर 19 तारीख तक हमारा जो सैलरी रिलीज होती है, हमारी रेगुलाइजेशन लैंड डोनर्स की लागू होती है, मिनिमम वेज एक्ट जो लागू होता है, तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता है तो हम 20 तारीख सुबह 7 बजे से अपना अपना स्टेशन जो है पूरा बंद कर रहे हैं, पानी बंद कर रहे हैं, और जो भी वहाँ पे कत्लो गारद होगी उसकी रिस्पांसिबिलिटी जो होगी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की होगी, क्योंकि हमने DC साहब को मेमोरेंडम पेश कर दिया है, SSP डोडा को भी हमने मेमोरेंडम दे दिया है, अपने जो चीफ इंजीनियर साहब है उनको भी दे दिया है मेमोरेंडम, और सुपरिटेंडेंट इंजीनियर PHE जो उनको भी मेमोरेंडम दे दिया है, एक्सिन को भी हमने दे दिया और ये इंफॉर्मेशन दे दिया कि हमने 20 तारीख से पानी अपना अपना बंद करना है, और वहाँ पे दूसरी कैटेगरी के कोई भी लोग वहाँ पे आएंगे या परमिटेंट स्टाफ के कोई भी बंदे आएंगे हम उनको बर्दाश्त नहीं करेंगे, उनको छोड़ेंगे नहीं वहाँ पे, क्योंकि हमारे साथ बहुत ही सौतीली माँ का जैसा इन लोगों ने ना इंसाफ किया है, क्योंकि प्रॉपर जम्मू के अंदर 2263 लोगों के जो लैंड डोनर्स के ऑर्डर हो चुके थे और उसके बावजूद खाली डोडा जिला के अंदर इन्होंने क्या है कि लैंड डोनर्स को कि साइड पे कर दिया है और बाकी लोगों को ये सैलरी दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि इनकी वेरिफिकेशन की जाए लोगों की कि प्रॉपर चैनल से कौन से लोग इन्होंने एडजस्ट किए हैं, कौन से लोग इन्होंने एंगेज किए हैं, क्योंकि हमारे पास सर्कुलर 12 में निकालती है गवर्नमेंट और 14 में हमारे ऑर्डर होते हैं लैंड डोनर्स के पूरे जम्मू प्रोविंस के अंदर, पूरे प्रोविंस के अंदर 3100 लोग हमारे जो लैंड डोनर्स एंगेज्ड है, और खाली डोडा के अंदर जो इन्होंने सौतीली माँ का जैसा हमारे साथ इंसाफ किया है, हमारे यहाँ पे एक्सिन होया करते थे अजय गुप्ता, उन्होंने ये इस इशू को टेकअप किया है और हम उनको भी बताना चाहते हैं आपकी मीडिया की हिसाब से कि वो भी तैयार हो जाए, अगर 20 तक इन्होंने हमारा मसला नहीं किया तो एक्सिन साहब को भी आज अजय गुप्ता जो वहाँ पे एक्सिन थे उनके खिलाफ भी हम हाई कोर्ट में केस दर्ज करेंगे कि उन्होंने कैसे हमारे जब ऑर्डर हुए थे प्रॉपर चैनल से लोगों ने हमें एडजस्ट किया था, हम लोगों की एक एक कनाल जमीनें लेकर कर इन्होंने एंगेज किया था, फिर 12 वोचर का इशू इन्होंने हम लैंड डोनर्स के ऊपर क्यों लगा हावी किया है, क्योंकि वो वोचरों का मसला उन लोगों के लिए था जो इन्होंने बैक डोर एंट्री से उन्होंने डिपार्टमेंट के अंदर एडजस्ट किए थे, वो इशू उन लोगों के लिए था ना कि खाली लैंड डोनर्स के लिए था, तो इसीलिए आज हमने ये एक प्रोग्राम किया था जिला डोडा के अंदर कि हम एक मीडिया कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसके बावजूद इनको कानों तक फिर आवाज़ पहुंचाएंगे कि अगर 19 तक हमारा मसला हल होता है, हमारी सैलरी लीज होती है, हमारी पूरी प्रोविंस या जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे लैंड डोनर्स जो हैं हमें रेगुलाइजेशन पॉलिसी लागू होती है, मिनिमम वेज एक्ट लागू होता है, तो हम इस स्ट्राइक को सस्पेंड करेंगे, अगर हमारे 19 तारीख तक हमारा मसला हल नहीं होता है, हमारी सैलरी लीज नहीं होती है, तो 20 तारीख को हम पूरा पानी बंद कर देंगे पूरे जिला डोडा के अंदर, पूरा एक एक बूंद पानी के लिए हम इन लोगों को तड़पाएंगे, और आने वाले टाइम आजकल तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हम अपने रजवाई पे ताला लगा कर बैठेंगे, और दूसरा हम आजकल खेती बाड़ी का टाइम चल रहा है, हम अपनी ज़मीनों में खेती बाड़ी करके हम अपने बच्चों के लिए 6 महीने के राशन वहाँ से निकालेंगे, तो इसीलिए आज हम अपने डिप्टी कमिश्नर डोडा से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इन लोगों की वेरिफिकेशन की जाए और हमारी सैलरी रिलीज की जाए 19 तारीख तक, अगर नहीं हो तो 20 तारीख को आने वाले सुबह 7 बजे से हमारा पूरा जिला डोडा के अंदर हमारी लैंड डोनर्स की स्ट्राइक होने जा रही है, जिसमें इनको रोकने की बस की बात नहीं होगी, और दूसरी कैटेगरी के लोग जो भी आएंगे हम उनको
छोड़ेंगे नहीं। तो इसीलिए आज हमारे ये कॉन्फ्रेंस हमने रखी थी जिला डोडा के अंदर। तो इसी के साथ में आप सभी मीडिया कर्मचारियों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।